तो बच्चों अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ ईच एरिया। तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी, और इसके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डायगोनल्स बना दिए, तो ए सी एंड डी बी। अब अगर मैं इसको डायगोनल करता हूँ, यहाँ पे डायगोनल बनाता हूँ, तो आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो AO हो जाएगा ये OC के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो AO होगा वो OC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे बहुत प्यार से देखेगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्रायंगल ADC, यहाँ देखो ADC, ठीक है। अब जब अगर मैं ADC लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो O है ना, O क्या है, मेरा मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और अगर O मिड पॉइंट है AC का, अगर O, ये देखो ये जो O है ये मिड पॉइंट है AC का, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो DO है वो मेरा मीडियन हो गया, ठीक है। मीडियन मतलब कि ट्राइंगल को इक्वल हाफ्स में काट रहा है, तो DO जो हो गया मेरा वो होगा मेरा मीडियन, DO इज मीडियन, ठीक है। ये देखो ये जो DO है ये मीडियन है, ऐसे करके मैं बना लेता हूं, इस ट्राइंगल को ऐसे काट रहा है। और आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्राइंगल का मीडियन या कोई भी ट्राइंगल का मीडियन डिवाइड करता है ट्राइंगल को तो वो इक्वल एरियाज में बंटता है, ठीक है। तो मैं आप यहां पे रीजन लिख सकते हो कि जो मीडियन होता है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल एरियाज, ठीक है। तो देखो बस, तो इससे इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूं, इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूं कि एओडी, यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी, तो मैं लिख लेता हूं डीओसी, राइट। तो देखो मैंने यहां पे कितना लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी इज इक्वल्स टू डीओसी। तो देखो बड़ा प्यार से हमने इसको कर लिया, तो दिस इज माय इक्वेशन वन, मैं यहां पे लिख लेता हूं मेरी इक्वेशन वन हो गई है, ठीक है। अब ऐसी सिमिलरली देखो मैं इसको अब नीचे उतार लेता हूं, ठीक है, मैं इसको नीचे बना देता हूं, यहां पे मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं वन दे देता हूँ, ये टू के इक्वल होगा। देखो ये एंगल, ये ट्राइंगल वन, ये ट्राइंगल टू, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं क्या लूंगा, ये पूरा ट्राइंगल लूंगा, कौन सा वाला, मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल डी सी बी। अब डी सी बी ले लेता हूँ, डी सी बी, तो भाई क्या है मेरा सी ओ, क्या है मेरा मीडियन है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इक्वल हाफ्स में काट रहा है इन दोनों ट्राइंगल को, तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। ये मेरी इक्वेशन टू आ गई। तो देखो ये मेरा ट्राइंगल वन ट्राइंगल टू के इक्वल हो गया, और मेरा ट्राइंगल टू ट्राइंगल थ्री के इक्वल हो गया, ये वाला जो ट्राइंगल है एंगल ट्राइंगल थ्री हो गया। अब मैं ये पूरा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये पूरा वाला, ठीक है, तो मैं पूरा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी ए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो मेरा बी ओ हो गया ये मेरा मीडियन हो गया। अब बी ओ अगर मेरा मीडियन हो गया तो ये इक्वल हाफ, ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल हाफ्स में इक्वल एरिया में बांटेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी,
बी ओ ए इक्वल टू बी ओ सी, तो ये वाला, ये दोनों इसके इक्वल हो गए। देखो ये वाला ट्राइंगल, और देखो मैं कह रहा हूँ कि वन किसके इक्वल है टू, और टू किसके इक्वल है थ्री, और थ्री किसके इक्वल हो गया फोर। तो देखो ये सारे ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं हो गए, इन सब, ये इक्वेशन थ्री हो गया। अब इन तीनों को इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो मेरा क्या हो जाने वाला है, देखो दिस इज माई एंगल, दिस इज माई ट्राइंगल वन, दिस इज माई ट्राइंगल टू, दिस इज माई ट्राइंगल थ्री, एंड दिस इज माई ट्राइंगल फोर। तो देखो वन टू के इक्वल है, टू थ्री के इक्वल है, और थ्री फोर के इक्वल है। तो बस अब मैं इसको बोल सकता हूं, और फिर मैं एक और, हाँ फिर मैं एक और कर लेता हूँ, फिर मैं एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ डी ए बी, है ना। मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल डी ए बी, लास्ट वाला है ना, और जो मेरा ए ओ है, ए ओ है वो मेरा मीडियन है, और बस यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल फोर है वो ट्राइंगल वन के इक्वल हो जाएगा। और देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं, और जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो काफ़ी इजी है बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बिल्कुल घबराना नहीं है।